कहता है सुखेल भाई डिफरेंशियल वेल करना यार, वो क्यों शॉर्ट नोट्स लगाने हैं यार, घुमानी है गाड़ी। इसने एक दिन गाड़ी घुमाई है, दो हफ्ते से गाड़ी से घुमा रही है। फाइनली जी, फाइनली इट इज़ टाइम टू मॉडिफाई दिस कार। बस शुरू करते हैं अब, क्योंकि बड़ी हो गई है, इस गाड़ी को बहुत इंतज़ार करवा लिया और मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया। ये गाड़ी डिज़र्व करती है कुछ मॉडिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। आज वो मैंने लास्ट व्लॉग में जिक्र किया था कि अगला व्लॉग जरूर देखना, सरप्राइज़ है आपके लिए। वो डिसाइड कर लिया कि हमने इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करनी है। बाकी ये है कि छोटे छोटे काम है इसके, होते रहेंगे साथ साथ, हम करते रहेंगे साथ साथ, मार्केट सेट करते रहेंगे। सेट हो गई होगी प्रॉबेबली। आज दो तीन अहम ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम है। गाड़ी यार, आई कॉन्ट वेट दिस कार टू बी, समझ रहे हो, नीचे करेंगे इस गाड़ी को। ओए होए 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 होए, मजेदार। एक तो ये लंबी वैसे ही बहुत लंबी है, मतलब आम गाड़ी से ना ये लंबी लगती है। सड़क पे चलती बड़ी एक वो VIP सी लुक देती है, क्योंकि डिग्गी इसकी बहुत लंबी है। आगे बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त इसकी मॉडिफिकेशन आएंगी। इसी बात पर कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। मौसम में थोड़ी सी नरमी आ गई है, सुबह सुबह के टाइम निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती यार, इतनी गर्मी के ना काबिले बर्दाश्त गर्मी। तौबा, 250 अभी तक नहीं करवाया, देख लो जरा है, नहीं ना कर रहे आप। मोहब्बत प्यार मोहब्बत करो यार, थोड़ी सी है कोई कमी पेशी कर लो यार, लाइक करो फॉलो करो। जिसके पास भी ये गाड़ी है ना, वो रिलेट कर पाएगा मेरी बात से। आप ये गाड़ी चलाओ, हाथ लगाओ 90s के गाने, पुराने गाने। मतलब इतनी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाइब है ना यार, ये वो हर बंदा फील नहीं कर पाता जिसके पास ये गाड़ी है ना, ये वही फील कर पाता है। और इसका चासी अपनी है इस गाड़ी को चलाने की, इसकी वो वाइब ही अपनी है। ये पेट्रोल का मतलब लिटरली पेट्रोल डलवाते हो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो ना, वो पैसे आपके वहाँ पे पेट्रोल के पूरे हो जाते हैं। आप बेशक नई गाड़ी चलाते हो, आपको वो वाइब नहीं मिल सकती जो वाइब ये गाड़ी देती है। ये भाई 90s की शहजादी गाड़ी थी, 90s में पता नहीं क्या ही बला होती होगी जिसके पास भी होती होगी, कैसा मैं फील करता होगा इस गाड़ी को चलाते हुए। सदमा चाहिए क्या बोला यार, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस गियर के ऊपर, चेंबर खोला तो बीच में पानी था। No! अगर तो पानी अंदर सिर्फ बारिश के कतरे गए हैं और ऑयल में चले गए तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो पहले पानी एंटर कहीं हो चुका हुआ था और वो चला हुआ है अंदर, फिर मसला। इसमें यहाँ पे एक रिंग होता है और ये जाके ऐसा गियर में वेल बॉडी पे लग जाता है, वो रिंग टूटा हुआ था, इसकी वजह से वो प्रेशर सक नहीं कर पा रहा था ऑयल को, ठीक है। ऑयल अंदर, इसे कहते हैं स्टारवेशन, ऑयल स्टारवेशन हुई है उसके अंदर, जिसकी वजह से ऑयल चढ़ा नहीं और गियर ने अपने आप को तोड़ दिया। बेसिकली ये ड्रिफ्टिंग की वजह से गियर ख़राब नहीं हुआ था, ये हुआ इसलिए था कि इसका जो रिंग होता है ना यहाँ पे, वो रिंग यहाँ से टूट गया। अगर रिंग रहता है तो ये एयर प्रूफ रहता है, यानी कि जितना भी ऑयल उठाएगा ये यहाँ से उठाएगा और फिल्टर होकर इसमें जाएगा। जब रिंग नहीं रहता वो बजाय ऑयल उठाने के नीचे से वो यहाँ से हवा सा करता रह गया आपका, और झटके मारे हैं उसने, उन झटकों की वजह से उसने अपने आप को तोड़ दिया। डाउट जो हम नया गियर लेके आए ना, उस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पानी था उसके अंदर पड़ा पड़ा, शायद पानी चला गया होगा, वो जिस तरह पड़ा हुआ था इंजन और गियर आपको पता ही है, तो शायद चला गया हो। अब सुखेल भाई डाउटफुल हो रहे हैं, वो मतलब गारंटी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि अब जब चलाओ तो कोई मसला करे ये गियर, लेट्स होप सो कि ना करे। तो ऑयल स्टारवेशन की वजह से ये गियर उड़ा है, और मैं आपको बताऊँ उसकी वजह क्या है, ज़रा दिखाना, ये छोटा सा रिंग है जिसकी वजह से ये पूरा गियर जो है ना ख़राब हो गया। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, जितनी आप गहराई में जाते हो ना गाड़ी के मैकेनिकल्स में, तो आपको वो एक होता है कि यार ये क्या किस तरह से काम करता है इंजन, क्या से क्या हो गए, देखते देखते हालात देखो इस गाड़ी के क्या हो गए।
कुछ नहीं होता, लेकिन आज हर हाल में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश है हम इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकल जाएंगे और इसको अच्छी तरह इसकी सर्विस वर्विस करवाएंगे। गाड़ी बहुत गंदी हुई पड़ी है, इंशाल्लाह होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड लेट्स होप सो कि हमें थोड़ी देर तक ये गाड़ी फ्री हो मिले। अब आओ चलते हैं इसको लेके, इसका सबसे पहला काम करवाते हैं। और सबसे पहले काम से पहले, क्योंकि अब हम गाड़ी की मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम इस गाड़ी का नाम रखेंगे। नाम क्या रखेंगे, अभी तक हमने नाम नहीं रखा। अभी तक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसको क्राउन क्राउन कहते हुए, क्राउन वैसे आपस की बात इस गाड़ी पर सूट करता है, लेकिन क्योंकि हमने अपना नाम रखना है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो। एक तो दिमाग में मेरे नाम है, आपने सजेस्ट जो है ना इसकी ये फ्रंट लुक को देखते हुए करना है। ये देखो, देख रहे हो इस फ्रंट लुक को, और इसकी जो भी ग्रेस है, इसकी गाड़ी की जो भी वाइब है ना, उस हिसाब से आपने मुझे नाम सजेस्ट करना है। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई नाम हम रख देंगे, टेंशन ही नहीं। तो भाई साहब ये जो फिल्टर है, फिल्टर जो हमें लग रहा था ठीक नहीं है, हम आए थे एक एक्सपर्ट के पास, वो एक्सपर्ट कह रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लगा लो, ये कोई इशू नहीं है। तो मतलब वो हमारा डाउट था वो क्लियर हो गया, दिस फिल्टर इज़ ऑल गुड टू गो। लो भाई पैदल चला जाएगा ना। क्या बात है, क्या बात है, लुक एट द हार्ड वर्क बिहाइंड दिस ड्राइंग। ये ड्राइंग है, कोई प्रिंटिंग शिंटिंग नहीं है, ये जिस बॉय ने मेहनत की है यार, उस्मान भाई थैंक यू वेरी मच। ये कावर भाई आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? उस्मान भाई थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया माशाल्लाह, जैसे आपने मेहनत की है मुझे बहुत खुशी हुई है। ये कावर भाई मुझे कह रहे थे ये मुझे दे दे, मैंने इधर लगानी है। मैंने कहा नहीं यार, ये मैं अपनी उस दीवार पे लगाऊंगा जिसके लिए ये मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ये चीज़ें देते हैं। यार थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहनत हुई है। और ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मुझे रूडी इसी रंग में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इतनी नीट लगती थी ना इस रंग में कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी सारी गाड़ी अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन है, लेकिन बम्पर्स आप देख रहे हो बम्पर्स कितने गंदे हैं। ये फेंडर पे एक लाइन है बहुत गंदी, ये बम्पर्स रफ है यहाँ से, उसके अलावा यहाँ से रफ है, ठीक है। गाड़ी टोटली क्लीन है, लेकिन जो बम्पर्स के लिहाज से ना ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वीक है। तो हम खावर भाई को ये गाड़ी देने आए हैं फॉर बम्पर्स, बम्पर इसके जो है ना ब्रांड न्यू हो जाएंगे। उसके बाद चल सो चल मामला चलता रहेगा, डिटेलिंग करवानी है हमने, उसके बाद छोटी 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 इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस गाड़ी की करेंगे। और ये जो आउट क्लास बम्बू गाड़ी निकलने वाली है ना, ओह बहुत खूबसूरत निकलेगी ये गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं करती मैकेनिकल वाइज। अब इसको कॉस्मेटिक की तरफ लेके चलते हैं गाड़ी को। बहुत अच्छी ड्राइव, मजा की बहुत स्मूथ ड्राइव यार। जब से गाड़ी लिया मैंने वो एक दफ़ा ट्यूनिंग शूनिंग कराई है बस, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करवाया इस गाड़ी का, चला रहा हूँ। ओके जी बाय बाय क्राउन, सी यू, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे वापस जल्द विद ब्रांड न्यू बम्पर्स एंड नीट एंड क्लीन क्रिस्पी लुक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत एक्साइटेड है आपका भाई, इसको जो है ना पप्पू लगेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो भाई साहब 9:30 हो गए हैं, हमारी गाड़ी पे अभी भी काम जारी है, गाड़ी जारी, इतनी गंदी है ना, इधर से लेके जाते साथ हमने गाड़ी वॉश करवानी क्योंकि ऐसे देखी नहीं जा रही है आराम से। उस सब के अलावा हमारे पास दो ऑयल कैंस आ गए हैं ऑटोमेटिक। भैया बाहर जाके काम करें, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने तंग किया हुआ हमें। तो ये ऑटोमेटिक फ्लूड WS जो कि हमें रिकमेंड किया गया है कि आपने यही यूज़ करना है, इसके अलावा अगर यूज़ करेंगे तो गेयर आपका शैम्पू ये महंगा है, पता कितने का है? कितने का होगा? 16-17,000 का टोटल। हाँ 21,800 रुपए का। बाकी सब तो ठीक है, कुछ नहीं होता। अब महंगा है गियर ऑयल, अब है तो है, क्या करें, लेकिन डाउट इस बात पे कि अगर गियर में कोई इशू हुआ ना तो फिर मसला होगा। हमारे पास कोई इस तरह का वो ऑयल होना चाहिए था जो हम चेक कर लेते गियर के, गियर कैसे है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या करें ऐसे कामों में ऐसा तो होता है। फिर 1,500 का डब्बा है, पूरी इज्जत दो उसको, ऑयल शरीफ है इसका नाम। ध्यान जोर से रखा है अभी तुमने डब्बा, अभी बहुत जोर से इसने डब्बा रखा है, मुझे दुख हुआ है। इसमें गालबन 6-6.5 लीटर ऑयल डलेगा, जब तक वो ड्रेन वाली जगह से ड्रेन नहीं होगा तब तक हम इसको भरेंगे, मतलब तब तक ये टॉपअप हो जाएगा। देखते हैं, 4 लीटर की दो गैलन है हमारे पास, दो कैन है 4 लीटर के। रात के 10:30 बजे गाड़ी को सल्फ मारने लगे हैं, अल्लाह खैर करे, और स्टार्ट करके 45 मिनट हमने गाड़ी को आइडल पे छोड़ देना है ताकि जो ऑयल है वो गर्दिश करे, ताकि बस चल जाए यार गियर। इसीलिए वैसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। हैवी खाना खाना, कुछ भूख इतनी सख्त लगी हुई है,
रात के अगर 10:30 बज रहे हैं और हालत फुल टाइट हुई है, लेकिन गाड़ी भी अब फ्री होगी तो ही जाएंगे। क्राउन हमने पेंट होने के लिए दे दिया जी, कर दूं स्टार्ट। हाँ करो करो। गाइस हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है गाइस, गाड़ी को आग लग गई है गाइस। अस्तगफिरुल्लाह गाइस, क्या हो गया है, क्यों डर रहे हो? गाड़ी के अंदर, ब्लॉक के अंदर पूरी बात बोलते हैं, पूरी बात बोलते हैं। दम पे लगा रहा हूँ यहाँ पे। हिसाब लगाओ आप लोग कि हम सब की इतनी मेहनत है इस गाड़ी के ऊपर कि सारे डरे होते हैं कि ये कोई नया कारनामा, नया चांद ना चला दे। हर काम रुका होता है वर्कशॉप का जब तक ये क्लियर नहीं है। ना सदमे दिया करो हमें, हैं? आके तुम दे डेढ़ हफ्ता खड़ा ही होती वर्कशॉप में हमारी, और काम करने होते रोजी रोटी रुक जाती है, प्लीज खराब ना होगा करो। है साजा धुए मार रही है, सिगरेट पी रही है नशेई हो गई आपकी वर्कशॉप पे, दोबारा कर दे। अच्छा खासा तुम डिसेंट गाड़ी हुआ करती थी, है ये जा रही होती थी, ये जब से तुमने ऊपर नीचे होना शुरू किया है ना, ये तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं रही। हाँ ये ऊंच नीच ठीक है, इंसान की जिंदगी में आनी चाहिए, गाड़ियों में नहीं आनी चाहिए। ट्रिप्टोनिक कट्टा है, मुझे कट्टा गुता नहीं है, ये वो था, ये वो वाला कट्टा है। कहता है जे सुखेल भाई डिफरेंशियल वेल्ड करना है यार, वो क्यों शट मोड सुनाने यार घुमानी गाड़ी। इसने एक दिन गाड़ी घुमाई है, दो हफ्ते से गाड़ी से घुमा रही है। वैसे हाउ इज़ द ड्राइव एंड हाउ इज़ द ट्रांसमिशन? तुम बताओगे, मुझे तो ठीक लग रही है। तो जनाब गाड़ी की ट्रायल लेके आए हैं, इलियास कैसा है गियर? तीन गियर शिफ्ट कर रही है अभी, तीन गियर शिफ्ट कर रही है यार, क्यों जोक कर रहे हो यार? नहीं जोक कर रहा है, मसला हो गया। मसला ये हुआ कि तीन गियर लग रहे हैं। कौन कौन से? डी, न्यूट्रल और रिवर्स, तीन गियर लग रहे हैं। पार्किंग हमने ट्राई नहीं किया, उससे गाड़ी पार्क में वैसे कितनी और पार्किंग करेंगे। Finally, after so many days. Alhamdulillah.